नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। फ्रेंड्स, हम लास्ट क्लास में डेटा इंटरप्रिटेशन पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे थे। आज हम इसमें नया प्रश्न देखेंगे और न केवल हम सॉल्व कर रहे थे बल्कि बेसिकली हम ये देख रहे थे कैसे कैलकुलेशंस को ईजी बना सकते हैं और अपना टाइम एग्ज़ाम में सेव करते हुए एग्ज़ाम की अगली स्टेज तक इजीली पहुंच सकते हैं, हम अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले क्लास शुरू करें, मेरा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद। दोस्तों, हमारा ये नेक्स्ट ग्राफ है, इसमें सेल ऑफ बुक्स इन थाउजेंड्स दी हुई हैं। ये B1, B2, B3, B4, B5, B6 ये छः ब्रांचेस हैं एक पब्लिशर कंपनी की, सिक्स ब्रांचेस, उनकी दो वर्ष की 2000 और सन 2001, सन 2000 के लिए और सन 2001 के लिए थाउजेंड्स में बुक्स की सेल्स दी हुई है। जैसा कि ये B1 ब्रांचेस की सेल है, ये जो खाली वाला बार है वो 2001 ईयर के लिए, साल 2001 के लिए, और जो ये वाला बार है ये साल 2000 के लिए, वर्ष 2000 के लिए। इस बार ग्राफ पर आधारित प्रश्नों को आज हम देखेंगे। कुछ इजी प्रश्न होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिसमें कि कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, तो पिछली क्लास की तरह ही आज भी हम उन कैलकुलेशंस को कैसे इजीली सॉल्व करेंगे ये हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, टोटल सेल ऑफ ब्रांचेस B1, B3, B5 टुगेदर फॉर बोथ द ईयर्स, यानी कि B1, B3 और B5 इन तीन ब्रांचेस की टोटल सेल दोनों साल के लिए मिलाकर कितनी है। एक बहुत इजी है, इजीली आप कर लेंगे। B1 प्लस B3 प्लस B5 टोटल सेल, एक दो तीन, इन तीन ब्रांचेस की B1, B3, B5 की टोटल सेल। टोटल सेल में दोनों वर्ष की सेल आ जाएगी, साल 2000 के लिए भी और साल 2001 के लिए भी। तो वर्ष 2000 में B1 की कितनी है, 80, और वर्ष 2001 के लिए कितनी है B1 की, 105, 105 प्लस B3 की वर्ष 2000 के लिए 95 प्लस वर्ष 2001 के लिए 110। फिर B5 की देखेंगे हम, B5 की कितनी है, 75 वर्ष 2000 के लिए और वर्ष 2001 के लिए 95, 75 प्लस 95 कितना हुआ, 185 प्लस 110 और 90, 205 प्लस 5 10 की जीरो, हाँ से लगे 1 9 7 16 और 1 17, 5 5 10 की जीरो, हाँ से लगी 1, हाँ से कैरी 1 आया, 8 1 9 7 16 कैरी फिर 1 आया यह हासिल, और 1 1 2 2 4 1 5, 560, हजार या थाउजेंड्स जो भी आप लिखें हिंदी या इंग्लिश में। तो हमारा आंसर हो गया,
ऑप्शन डी। ये बहुत इजी क्वेश्चन था बेसिकली, इसमें कुछ खास था नहीं, केवल आपको वर्ड्स देख करके और उनको ऐड करना था। तो ये हमारा आंसर हो गया 560,000। इसमें कोई टिपिकल कैलकुलेशन नहीं थी। दोस्तों मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्दों का प्रयोग करता हूँ ताकि जिनको हिंदी समझ में आती है वो हिंदी समझे, और इंग्लिश तो लिखी हुई है ये क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप साथ साथ नोट करते जाए कीजिए। जहां पर कैलकुलेशन टफ होगी मैं थोड़ा नोट करने के लिए आपको समय भी दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें है, टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B6 फॉर बोथ द ईयर्स। टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच, यहीं पर चेंज कर देते हैं हम इसको, टोटल सेल ऑफ ब्रांच B6 फॉर बोथ ईयर्स B6 जो ब्रांच है उसकी दोनों वर्ष 2000 और 2001 की जो सेल है। क्वेश्चन कह रहा है इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सेल ऑफ ब्रांच B3 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सेल ऑफ ब्रांच B3 फॉर बोथ ईयर्स। दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा शॉर्ट में करके लिख देता हूं, उतना ही लिखता हूं जितना आपको समझने के लिए आवश्यक है। टोटल सेल ऑफ ब्रांच B3 फॉर बोथ द ईयर्स। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं हम, ऑप्शन क्या है इसमें। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेशन को अगर आप इजी कैसे करते हैं वो समझना चाहते हैं तो वो इसमें एक्यूरेट एग्जांपल है। ये बिल्कुल बहुत बढ़िया एग्जांपल है आपके समझने के लिए। आप सभी इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए टोटल सेल ऑफ B6, ठीक है, B6 की 70 प्लस 80 कितनी हुई है, 70 और 80, 150 थाउजेंड्स में हुई है, ठीक है, थाउजेंड्स। फिर टोटल सेल ऑफ B3 95 प्लस 110 कितनी हुई, 205,000। तो दोस्तों इसमें हमें रिक्वायर्ड परसेंटेज मतलब
जो हमसे पूछा गया प्रश्न में। तो B6 की जो टोटल सेल है कितनी है, सेल ऑफ ब्रांच B6, सेल ऑफ ब्रांच B3 टोटल सेल उसका कितना परसेंट है, B6 B3 की कितनी परसेंट सेल है दोनों साल की मिलाकर, परसेंटेज हमसे पूछा है। ठीक है, इसको आप फार्मूला भी कह सकते हैं इस प्रश्न के लिए। अब देखिए B6 150,000 और B3 की है 205,000 या 1,000। देखिए 1,000 हम आगे नहीं लगाएंगे, 3 बिंदु 1,000 के यहाँ पे हम लगा सकते हैं ऐसे, लेकिन वो हम लगा भी देंगे 3 बिंदु तो वो बाद में कैंसिल ही हो जाने हैं एटलीस्ट। ठीक है, तो हम ये 3 0 आगे 1,000 वाले नहीं लगाएंगे क्योंकि वो वैसे भी कैंसिल होने हैं। अब इसके देखिए ये 5 से डिवाइड होगा, सबसे पहले 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 5 3 15 30 टाइम्स ये ऊपर भाग जाएगा। अब 41 से ना तो 100 में भाग जाएगा ना 30 में भाग जाएगा, तो तीस और गुणा 100 कितना हुआ, 3,000 डिवाइडेड बाय 41। अब 41 से आप भाग देंगे तो दशमलव वगैरह लगाएंगे, 41 से भाग देके देखेंगे टाइम लगेगा। शॉर्टकट तरीका क्या, फिर कैलकुलेशन को हम इजी बना लेते हैं, यही हमारा उद्देश्य है इस चैनल के माध्यम से। आपको ये डेटा इंटरप्रिटेशन का जो हमने टॉपिक लिया है सबसे पहले, उसका उद्देश्य यही है कि आप कैसे कम समय में कैलकुलेशन को ईजी बना के जल्दी से जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। तो हम इसको 41 को क्या बना देते हैं, 40, यानी कि 40। देखिए ये सब मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ कि इसको हम 40 कर देंगे वो कर देंगे, वरना 41 है तो 41 ही रहेगा ये। देखिए हम कैलकुलेशन को इजी बना रहे हैं वो आप सीखिए। तो 40 बना दिया, 0 से 0 एक कैंसिल हो गया। अब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 28 दो रिमाइंडर आया, फिर वो 5 0 फिर 4 5 20, तो ये आया हमारा लगभग 75%। अब चूंकि हमने जो डिनोमिनेटर है हर है 41, उसको एक नंबर से कम कर दिया था, तो जो हमारी वैल्यू है वो 75% आई है, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा होगी, यानी जो एक्चुअल आंसर होगा वो इससे थोड़ा सा कम होगा, 75% से थोड़ा सा, क्योंकि हमने एक ही कम किया, 41 की जगह 40 कर दिया है हर को। ऊपर हमने अंश में न्यूमरेटर में तो कोई चेंज किया नहीं है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, आप सभी को पता होगा। तो हमने 41 की जगह केवल 40 किया है, एक पॉइंट कम, तो यानी कि जो आंसर है वो इससे थोड़ा सा कम होगा। कल भी मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में, मतलब कि चार से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5, लेकिन अगर इसको हम 3 कर दें, 4 की जगह 3, तो 5 नहीं आएगा, कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 6 18, 2.0 3 6, यानी वैल्यू बढ़ गई। तो जब डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो जाएगी तो जो आंसर है वो थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो आंसर हमारा हल्का सा कम। अब देखिए इसमें ऑप्शन में आप देखेंगे तो 75% से थोड़ा सा कम कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ये कमाल है कैलकुलेशन को इजी बनाने के जो मेथड होते हैं, कैलकुलेशन को इजीली करने के जो तरीके होते हैं उनका यही कमाल होता है। देखिए वरना आप पॉइंट में भाग देते तो बहुत समय लगता, दशमलव की 2 डिजिट तक ऑप्शन दिए हुए हैं और काफ़ी करीब के ऑप्शन है, कुछ 71.3 73.3, 2-2% का अंतर है, 3% का यहाँ पे लगभग, 1.5 1.5 3% लगभग, फिर ये 2% के आसपास, फिर ये 2% से कुछ ऊपर और इधर भी 2% के आसपास। तो ये आपने ऐसे किया और ऐसे हमारा आंसर आ गया।
अब वरना आप 41 से डायरेक्ट भाग दीजिए तो आपको एग्जैक्ट 73.17% मिलेगा। लेकिन हमें एग्जैक्ट से मतलब नहीं है, हमारा उद्देश्य है एग्ज़ाम को पास करना, क्रॉस करना। तो उसके लिए आवश्यक है कि कम से कम समय में हम अपने प्रश्न को हल करके सही उत्तर तक पहुंच सकें। तो आप इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पर आप इसको भी नोट कर लीजिए ताकि आपको आगे हमेशा ये ध्यान रहे कि 41 की जगह 40 हमने किया था तो ये 75% आया। और यहाँ पे मैं बगल में आपकी सुविधा के लिए लिख भी देता हूँ, यह लिखना क्या है वो आप समझ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो लिखूँगा मैं तो उसमें समय आपका काफ़ी वेस्ट होगा। इसको नोट कर लीजिए। जब तक आप नोट कर रहे हैं तब तक मैं अगला प्रश्न ऊपर लिख देता हूँ। दो प्रश्न इसके हो गए हमारे इस बार ग्राफ के। अब तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, थर्ड पार्ट जो इसका है, व्हाट इज द एवरेज सेल। व्हाट इज एवरेज सेल ऑफ ऑल ब्रांचेस फॉर ईयर 2000। ये मैं ऊपर का साफ कर देता हूँ अभी। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें केवल एवरेज निकालना है वर्ष 2000 के लिए सभी ब्रांचेस का। ऑप्शन है 73, 80, 83, 88, 96। ठीक है, तो एवरेज सेल फॉर ईयर 2000 ऑफ ऑल ब्रांचेस सभी ब्रांच के लिए निकालना है। तो हम ऐड कर देंगे सभी ब्रांच का पहले तो, और फिर डिवाइड कर देंगे। तो वर्ष 2000 के लिए हम देखेंगे, वर्ष 2000 का निकालना है। वर्ष 2000 का कौन सा है, ये वाला बार, पहला बार 80, 75, 95, 80 प्लस 75 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 75 प्लस 70 प्लस 85 प्लस 70 डिवाइडेड बाई कितनी ब्रांचेज हैं, 6। तो 6 से डिवाइड करेंगे, जितने ऊपर हमारे नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं उतने से ही डिवाइड करते हैं जब हम एवरेज निकालते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ब्रांचेज के 6 आइटम हैं, डिवाइड करें 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 0, 2, 8, 10, 7, 17, 9, 26, 8, 34, 48 डिवाइडेड बाई 6। आंसर आया 6 कम 6, 6, 8, 48, यानी कि 80।
कितना आंसर आया? 80। तो हमारा ऑप्शन 80,000 हुआ। आप इसमें आगे 1,000 लिख सकते हो, क्योंकि हमारी जो यूनिट है वो कितनी है? 1,000। तो 80,000 तो आंसर हो गया हमारा बी। आंसर इज बी, बी इज करेक्ट। एवरेज पूछा जाता है तो यही होता है, जितने समय का एवरेज पूछा जा रहा है, जितने वर्ष के लिए या जितनी यूनिट, जितनी चीज़ों का, जितनी यूनिट का, उतने का जोड़ के उतने से हम डिवाइड कर लेते हैं, जितने साल का या जितनी यूनिट का पूछें। तो ये आंसर हो गया। ये बहुत इजी था, आप समझ गए होंगे। नीचे वाला आपने नोट डाउन कर लिया होगा, समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेशियो पूछ रहा है। रेशियो क्वेश्चन को आप साथ साथ लिखते चले तो बेहतर होगा। व्हाट इज द एवरेज एवरेज नहीं, इसमें रेशियो पूछा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल, ऑफ टोटल सेल ऑफ ब्रांच B2। जब भी टोटल सेल का मतलब है तो दोनों वर्ष के लिए, दो वर्ष 2000 और 2001 दोनों के लिए टोटल सेल का मतलब। फॉर बोथ द ईयर्स टू द टोटल सेल ऑफ ब्रांच B4 फॉर बोथ द ईयर्स। ठीक है, तो इसमें हमसे रेशियो पूछ लिया है, ये भी बहुत इजी है। ऑप्शन और लिख लें हम इसमें, ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं 2:3 मतलब 2:3, 3:5, 4:5, 5:7 और 7:9। तो रिक्वायर्ड रेशियो यहाँ पर लिखेंगे हम, रेशियो रिक्वायर्ड रेशियो कितना होगा? B2 का टोटल कितना है? 75 प्लस 65। ठीक है, B2 की सेल डिवाइडेड बाय टोटल सेल ऑफ B4, 85 प्लस 95 ये आई 140 और 180, 85 और 95 180 और 75 और 65 140, 0 से 0 कैंसिल, 9×9 = 18, 2×7 = 14, यानी कि 7/9, या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 7:9। तो आंसर हमारा क्या हुआ? आंसर इज ई, ये आंसर हो गया। रेशियो का मतलब होता है अनुपात, एक चीज का दूसरे चीज से क्या अनुपात है। तो B2 की सेल का B4 से अनुपात पूछा था, तो B2 का ऊपर लिखा, B4 का नीचे। आप ऐसा नहीं है कि B4 का ऊपर लिख दें और B2 का नीचे लिखेंगे, ठीक है, तो गड़बड़ अनुपात हो जाएगा, उल्टा। B2 का B4 से, ये B2 का, ये B4 का।
इसको नोट कर लीजिए आप। तो फ्रेंड्स, बाकी क्वेश्चन इस ग्राफ के हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपको सारे नोटिफिकेशन समय से मिल जाएं उसके लिए बेल के बटन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।